नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग माधव निदान के एक सत्र में आज अर्श व्याधि पे बहुत ज्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं इसका संप्राप्ति और स्वरूप मतलब किस तरह का अर्श होता है, कैसे होता है, इसमें कौन से दोषों की दोष समूर्छना होती है और ये कैसे होता है, ये मैं ग्रंथोक्त तो पहले बताता हूँ। उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे और आप लोग के प्रैक्टिस में अर्श के कैसे पेशेंट आते हैं, आप लोग उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप लोग अब बताएंगे। पहले मैं संप्राप्ति बताता हूँ। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, श्लोक नंबर दूसरा देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ऐसा बताया कि दोषास्तंग मास मेदांसी संदुष्य विविधा कृतिन मासांकुरान अपानादौ कुर्वन्ति अर्शांसी तान जगुहु। इसका मतलब यह है और इन्होंने जो बताया है ये एकदम 100% सही है, ये त्रिकालवादी सत्य है। इन्होंने ऐसा बताया है कि अत्यंत प्रकुपित हुआ जो वातादी दोष है, वायु पित्त कफ, ये सारे दोष जो है वह प्रकुपित हो जाते हैं और त्वचा में, मांस में, रक्त में और मेद, इसमें देखिए चार दुष्य बताए हैं, त्वचा, मांस, रक्त और मेद, इनको दूषित करके गुद भाग में, योनि भाग में, कर्ण भाग में, नासा में, नेत्र वर्त में, नाभि में, लिंग में, जो मतलब पुरुषों का जो लिंग होता है उसमें या स्त्रियों के लिंग में, अनेक प्रकार के छोटे बड़े मृदु कठोर मांसांकुरों को उत्पन्न कर देते हैं। मांस के अंकुर होते हैं, इस तरह के उत्पन्न हो जाते हैं, इनको अर्श कहा जाता है। इसकी निरुक्ति इस प्रकार से करते हैं कि अरिवत प्राण शृणाति हिनस्ति इत्यर्थ, मतलब शत्रु की तरह अत्यंत कष्ट देता है जो हमारा शत्रु है। फॉर एग्जाम्पल भारत देश का शत्रु कौन है, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आप लोग ने देखा होगा कि वो हमेशा आतंकवाद भेजता है, आतंकवाद करवाता है, फिर जाली नोट का वो करता है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहता है और हर समय भारत को लहूलुहान करने का कोशिश करता है। इसी तरह से अर्श व्याधि भी जो है वो हमेशा कष्ट देता हुआ है और यह कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह प्राणों को भी हर देता है। इसीलिए अरिवत प्राण शृणाति हिन्यस्ति, इस तरह से इसकी निरुक्ति बनी है, तो इसलिए इसको अरिवत अर्श ऐसा बताया है, इसको अर्श कहते हैं। इसमें अर्श में तीनों दोष का तो प्रकोप होता ही है, किंतु इससे भी अनेक रोग हो जाते हैं, मतलब अर्श के वजह से उदावर्त हो जाता है। अर्श के आप लोगों के प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते होंगे कि उनको बवासीर है और उनको श्वास हो गया, उनको कास हो गया क्योंकि अपान वायु नहीं निकल पा रहे, उनको शिरशूल हो जाता है। अर्श जनित बहुत सारी व्याधियां होती है कि मतलब जो अपान क्षेत्र को, मल और मूत्र को नहीं निकलने दे रही है या फिर अपान वायु को नहीं निकलने दे रही, तो बहुत सारी ऐसी व्याधियां हो रही है, हार्ट डिजीजेस हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाते हैं, बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। तो इस और यह व्याधि जो है मराठी में इसको मूल व्याध बोलते हैं,
मतलब मूल में जो शरीर का मूल है वहां पे व्याधि होना, इसलिए मूलव्याध बोलते हैं इसको। और ये जो है ना ये एकदम सही है इन्होंने जो बताया। अब इसी का टीका कर क्या बोलते हैं कि संप्रति संप्राप्ति पूर्वक कर्मशः स्वरूप महा दोषा इत्यादि, इसका मतलब है कि संप्राप्ति के साथ साथ अर्श का स्वरूप भी बताते हैं कि ये अर्श कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या है। वो बताते हैं कि त्वांग मास ग्रहेण त्वंग मासाश्रितम रक्तम अपि गृह्यते चिकित्सायां रक्त श्रावणोपदेशात्। इसका मतलब यह है कि इसमें त्वचा और मांस के ग्रहण से यहाँ पर त्वच मांसाश्रित रक्त का भी ग्रहण हो जाता है। त्वचा मांस और रक्त इन तीनों को लेना चाहिए। और अर्श चिकित्सा में सबसे पहले रक्त मोक्षण का भी अभिधान पाया जाता है कि हमें दूषित रक्त निकालना है। उसी तरह से अपानम गुदम मतलब अपान क्षेत्र मतलब गुद प्रदेश। और यहाँ पे जब बोला है आदि शब्देन मतलब जो श्लोक में बोला है मांसम कुरान अपाना दो, तो आदि जब शब्द बोला है तो इसका मतलब यह है कि आदि शब्द से नाक में होने वाला जो अर्श है, कान में होने वाला अर्श है, लिंग में होने वाला अर्श है, ये आदि को का भी ग्रहण किया जाता है। किंतु काय चिकित्सक जो है जो मतलब मेडिसिन का प्रैक्टिस करते थे पहले, तो वो लोग इसको गुदा में होने वाले मत्स्यों को अर्श मानते हैं और शेष कान नाक लिंग आदि में होने वाले मत्स्यों को अधिमांस कहते हैं। उन्होंने डेफिनेशन जो है संज्ञा जो है वो थोड़ा अलग दे दिया है, लेकिन कॉमनली जो अपने आचार्य हैं वो तो सभी को अर्श ही बोलते हैं और काय चिकित्सक है उसको अधिमांस बोलते हैं। ये बस बोलने का बात है। काय चिकित्सकास्तु गुदस्त्वेन अर्शस्त्वमिच्छन्ति नासादि जानम त्वदस्ति मासत्वम तेषु पंचात्मा मारुतः इत्यादि संप्राप्तिर अभावात विष्टम इत्यादि पूर्व रूप से चा संभवत। इसका मतलब यह है कि काय चिकित्सक दूसरे जगह वाले मत्स्यों को अधिमांस कहते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि पंचात्मा मारुतः, मारुत जो रहता है वो पांच टाइप का रहता है, प्राण उदान व्यान समान अपान। उसी तरह से पित्त मतलब इसमें पांचों वायु का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, कफ कफ का प्रकोप होता है, और ये गुदवली त्रयम, गुदवली त्रयम मतलब प्रवाहिनी विसर्जनी और संवरिणी, ये तीनों गुदवलियों में इसका संप्राप्ति हो जाता है। और दूसरा ये बताते हैं कि पूर्व रूप जो रहता है, पूर्व रूप जब बताते हैं तो पूर्व रूप में गुदवलियां और नाकन नहीं होती हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट एकदम स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। चरक संहिता में बताया है कि चरक संहिता का इन्होंने उदाहरण दिया है कि यदा चरक शिश्न इत्यारभ्य यावत अधिमास व्यपदेश एव शुश्रुतेन तु मासा अंकुरा सार्धम्यत शस्त्र साराग्नि साधत्वाच तेष्व अर्श शब्द प्रयोगः कृतः सर्पाश्चितेषु स्नेहे तेल व्यपदेशवत् शुश्रुतानुवादिनो वाग्भटस्याप्यय अभिमेवाभिप्राय इति। इसका मतलब यह बता रहे हैं कि चरक संहिता में शिश्न अपत्य पथम, शिश्न में होने वाला जो मांसांकुर है, अपत्य पथ मतलब योनि मार्ग में होने वाला जो मांसांकुर है, गल गले में होने वाला, तालु में, मुख नासिका कर्ण अक्षि वर्त्म मतलब गले में होने वाला, तालु में होने वाला, मुख में, नासिका में, कर्ण में, अक्षि में होने वाला, आंखों में होने वाला, वर्त में, और त्वचा में जो चर्मकील बोला जाता है वह भी तदह अत्यधि मासतया गुदवली जानी त्वा अर्शांसिति संज्ञा। मतलब चरक संहिता में ऐसा बताया है कि शिश्न में होने वाला, अपत्य पथ में होने वाला, गले में होने वाला, तालु मुख नासिका कर्ण कान में भी होने वाला, ये सारे को अर्श व्याधि अर्श ऐसा चरक संहिता में नाम दिया है। कई आचार्य जो हैं वो शरीर में अर्श का व्यापक प्रदेश मानते हैं, जैसे लिंग में, योनि में, गला में, तालु में, मुख में, नाक में, कान में, अक्षि वर्त्म में और सारी त्वचा में जो होने वाला जो अधिमांस है उसको अर्श ऐसा बोला है। लेकिन दूसरे आचार्य जो हैं वो इसको अधिमांस बोलते हैं और गुद प्रदेश में होने वाले को ही अर्श मानते हैं, ऐसा अलग अलग मत है। चरक का मत है ऐसा, चरक का और दूसरे चिकित्सकों का मत है। सुश्रुताचार्य जी इसको अर्श ही मानते हैं और वह बोलते हैं कि बवासीर की तरह मांसांकुर होते हैं, दूसरे इनमें अर्श की तरह हमें दूसरे प्रदेश में जो हो रहे हैं लिंग में, कर्ण में, अपत्यपत में, तो उसमें हमें शस्त्र कर्म करना पड़ता है, शार कर्म अग्नि कर्म का विधान किया है। तो इसका उदाहरण ये दिया है कि सरसों से निकलने वाला जो स्नेह है उसको भी तेल कहते हैं, तिल से निकलने वाला जो है उसको भी तेल कहते हैं। तो ये तेल 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 अलग अलग चीजों से निकलते हैं उसको तेल कहते हैं। इसी तरह से
अब या पेट्रोल को भी लोग उत्तर भारत में तेल बोलते हैं, डीजल को भी तेल बोलते हैं, मतलब जो तरल पदार्थ है वो तेल बोला जाता है। तो इसी तरह से व्यापक होने की वजह से इसको अर्श बोला है, लेकिन अपना अपना मत है कि कोई इसको अधिमांस बोलता है दूसरे जगह में होने वाला, और कुछ लोग इसको केवल गुद प्रदेश में होने वाले को अर्श बोलते हैं। बस ये नाम देने का ही है। और वाग्भट का भी यही अभिप्राय है कि वाग्भट भी ये बोलते हैं कि अर्श ही बोलना चाहिए इन सबको, ये सारे प्रदेशों में होता है। तो अपना अपना मत है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और कुछ बताइए। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ग्रेट बात है। ऐसा किसी को अहंकार नहीं है कि हमें तो सब कुछ आता है, हम क्यों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं जी। अब आप लोग कुछ बताइए इस पे, अर्श पे आप लोग का क्या मत है, आप लोग का क्या सोच है। डॉक्टर सुधीर साहू जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। जी, हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, एक्चुअल में ना मैं इसमें एनोरेक्टल में ना अर्श के लिए काफी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। मैं चार सूत्र भी करता हूँ, जी और ना बहुत तरीके के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ सर, 8th मंथ जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो 8th मंथ प्रेगनेंसी में अर्श जो है बहुत तकलीफ देह बन जाती है, और उस समय हम लोग बिल्कुल, कैसे उसको ट्रीट करें सर। 8th मंथ में हाँ सर, एक अब तो सबसे ये मेन है कि उसमें अनुलोमन होते रहना चाहिए, और मतलब अग्नि अच्छा रहना चाहिए। और 8th मंथ में ही बहुत ज्यादा ये बताया है कि ओज जो रहता है वो माता से गर्भ में और गर्भ से माता में आता है, दौहृदा जो माता रहती है, तो ओज इधर उधर जाते रहता है। तो हमें ना ओज का रक्षा करना है 8वें महीने में, तो इसीलिए पेट साफ करने के लिए मतलब अनुलोमन होते रहना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे तकलीफ भी होती है, तो हमें गंधर्वहृत की एरंड तेल कम मात्रा में देना है। ज्यादा अगर देंगे तो वो फिर शुरू हो जाएगा, लेबर पेन शुरू हो जाएगा, वो हम दे दें। और त्रिफला गुगुल जो है वो सबसे सेफेस्ट ड्रग है, त्रिफला गुगुल, हाँ वो देना चाहिए। ज्यादा स्ट्रांग दवाइयां नहीं देनी है, जैसे अर्श कुठार रस, कांकयान बट्टी, ये सब नहीं देना है। त्रिफला गुगुल मेरे हिसाब से तो सबसे सेफेस्ट है। बाकी और अंजना मैम आई है क्या? अंजना मैम नहीं आई है? सर, अभी सुबह 4 बजे मुझे पेशेंट का कॉल आया था। हाँ हाँ, उनको लोअर एब्डोमेन में, उनकी 8th मंथ प्रेगनेंसी है, और ये बाइल्स मास हो गया, और अभी लोअर एब्डोमेन पेन खूब आया उनको। त्रिफला गुगुल तो सबसे अच्छा 8th मंथ रहता है स्टार्ट हो, वो। तो मैंने बोला कि भाई आप जी, हम लोग तो जाने एक एटी देते हैं, का तो अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, इससे शोथ कम हो जाता है, और त्रिफला गुगुल सेफेस्ट है। उसका दो दो गोली सुबह शाम दे दीजिए तो बहुत अच्छे से पेट साफ होता है, और वो सूजन भी कम हो जाती है। सिड्स बाथ जी भी देते हैं हम लोग। सर। कुछ दिन पहले, 15 महीने दिन पहले आपसे बात हुई थी, मेरी एक पेशेंट जिनको मैं मेडिसिन अमेरिका भेजा था, जी सेम वही प्रॉब्लम था सर, उनको भी 8th मंथ प्रेगनेंसी और पाइल्स वहां से काफी ज्यादा पेन था। तो तो आपने क्या उनको भी भेजा मैंने था? सर, मैंने उनको त्रिफला गुगुल भेजा, जी और उनको मैंने कहा कि 1 कप गर्म पानी या गर्म चाय, गर्म दूध में आधा से 1 चम्मच एरंड तेल जो है डाल करके सिप सिप करके ले लीजिए, हाँ और सिड्स बात के लिए। हाँ तो इससे भी काम बन गया सर। बन गया ना, तो यही आप स्ट्रॉन्ग दवाइयां मत दीजिए जिसमें भल्लातक के कल्प हैं, वो बहुत डेंजरस होता है। सूरन वटक भी मत दीजिए, मतलब इतना मत दीजिए कि गर्मी पैदा हो जाए और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जी, जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सूक्ष्म त्रिफला भी देते हैं ना, तो त्रिफला है वो, सूक्ष्म त्रिफला, वो उसे सूजन और पेन शोथ ये तो कम हो जाता है सूक्ष्म त्रिफला से। हाँ सर। आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए ना, आप लोग प्रेगनेंसी में 8th मंथ प्रेगनेंसी में क्या देते हैं? जी नहीं तो सर हाँ सुधृत कर पनाया, उनके खान पान में दूध का जो भी प्रचलन है वो बढ़ा रहा है। आप जैसे बोल रहे हैं वैसे सीवियर वातानुरोमक चीज नहीं दे सकते क्योंकि 8 मंथ रहता है, लेकिन सिक्स बात बहुत अच्छे से फायदा देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सिक्स बात से। और लोकल जो एप्लीकेशन है उसमें कोई ग्रुप बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो जो लोकल पेन है वो भी अच्छा रिजल्ट देगा उनको। जी आपका वो जो आप कैलाश जीवन बताते हैं, मैंने कभी बोला तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैलाश जीवन हाँ, कैलाश जीवन का जो है ना हल्का, उससे बहुत अच्छा हाँ फायदा होता है। क्योंकि श्रद्धा उसके बाद में अब रोपण अगर पेन, ब्लीडिंग पाइल्स है
तो कैलाश जीवन का अच्छा रोल रहता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ऐसे घटक द्रव्य हैं जो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देते हैं। आप लोग गूगल पे टाइप करिए कैलाश जीवन, तो ब्लीडिंग पेल्स में अच्छा काम करता है। और नहीं तो ब्लीडिंग पेल्स है तो हम नागकेसर देते हैं, कुटजा ऋषि देते हैं, और ये देने से बहुत अच्छा, मतलब चंदन का पानक देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। प्रवाल पंचामृत देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, या प्रवाल पिष्टी सर शंख भस्म। मेन क्या रहता है सर, 8th में बच्चे का जो भी है साइज और उसका प्रेशर रेक्टल प्रेशर पे आता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, तो उसके अगर मतलब जो खान पान है उसको अगर हम लिक्विड डाइट में कन्वर्ट कर दें और घृतकल बनाए दे दें तो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बेसिकली उसका वो प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, मूवमेंट्स कम हो जाती है, तो उसको थोड़ा पान के लिए जैसे खान पान के बाद में या फिर कुछ हल्के सूक्ष्म व्यायाम की जिसकी वजह से अपान का अनुलोमन हो वो भी अच्छे रिजल्ट देता है, और कटी प्रदेशी जो भी है अभ्यंग करते हैं हम ताकि अपान का काम अच्छा रहे, कटी और अभ्यंग। पहले के जमाने में जो ये परंपरा थी ना कि घर पे बहुत सारे काम करवाए जाते थे पहले, जैसे कि गेहूं को चक्की में पीसना है, फिर उसके बाद में ये मतलब जो राइस है उसको उबाल के उसको फटकना है वो सूप में डाल के, तो ये जो व्यायाम होता था ना उससे कॉम्प्लिकेशन होते नहीं थे, ये कॉन्स्टिपेशन पाइल्स ये सब होते नहीं थे, और नॉर्मल डिलीवरी होती थी पहले के जमाने में। मतलब जिनको पहले के जमाने में कैसा था कि बहुत सारी महामारी हो जाती थी तो बच्चे बहुत सारे मर जाते थे, मतलब प्लेग हो गया, कॉलरा हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो पहले ना ज्यादा बच्चों को करने का परंपरा था, 10 10 12 12 बच्चे होते थे, तो फिर इतना प्रेगनेंसी इतना हो रहा है तो काम भी उतना होता था, मेहनत कराया जाता था गर्भिणी को, तो फिर इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते थे, नॉर्मल डिलीवरी। जी और किसी को कुछ बताने तो बताइए, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, जी हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। सर। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पर हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ सर। हाँ सर सर ये हम भी छाप सूत्र करते हैं, पाइल्स के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो जी सर मैं इसमें गंधक रसायन और टेफ्ला गुगुल मोस्टली जी प्रेफर करता हूँ और रिजल्ट भी मिलता है इसका, जी और पेट साफ करने के लिए जो भी पंचकार है या इस तरह के चूर्ण को इस्तेमाल करता हूँ या कैस्ट्रॉल भी कभी कभी, तो जी रिजल्ट मिलता है सर। और जी सिकाई उसका सिर्फ बात, जी हाँ सर इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, जी और मस्से बड़े होते हैं तो सर उनको लाइगेट करते हैं, जी या एक्सटर्नल पाइल्स है सर तो इसे कार्ट्री से जला के निकाल देते, काट देते हैं तुरंत। जी जी सर एक डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आई है क्या? वो बोली थी कि मेरे बाल में बांध देती हूँ शार सूत्र की तरह, तो उससे वो कट के गिर जाता है, उनका बात मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा बताया था। वर्षा कौशिक मैम आप आई है क्या? हाँ है, प्रणाम सर आपका बात मुझे अभी भी याद है, आपने शायद 1 2 महीने पहले बताया था कि आपके बाल को जी। आप बांध देती है तो वो कट के गिर जाता है। सर मस्तों में हम लोगों ने बांध के देखे हैं सर, तो वो तो कट गए। जी मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, किसने क्या बोला है सब याद रहता है। जी सर आपका बाल का सर एक्सपोर्ट करना चाहिए, आपके बाल इतने अच्छे। जी सर बांधने पर थोड़ा पेन ज्यादा होता है एक्सटर्नल पाइल्स में, इसलिए सर हम उसको कट करके निकालना ही अच्छा समझते हैं सर। जी जी सर मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हाँ सर एक्सटर्नल पाइल्स को ना ऐसे कॉटराइज नहीं किया जा सकता, वो सेंटाइनल टैग होता है, स्किन जी का आउटग्रोथ रहता है, तो सिर्फ हम लोग सेंटाइनल टैग को ही कॉटराइज या हाँ फिर हाँ एक्सटर्नल हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं सर। पाइल वो अलग चीजें हैं, इंटरनल पाइल्स अलग है और सेंटाइनल टैग अलग है सर, तो इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ये। जी जी सर और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, क्योंकि आप लोग जो भी बता रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं और सभी का मत हम एक्सेप्ट करते हैं कि सब सही बोल रहे हैं। डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी जी आप कुछ बताइए, अर्श पे आप लोग का क्या है मत, आप क्या देती हैं? जी प्रणाम। सर पेशेंट तो काफी है यहाँ पे अर्श के, जी मोस्टली शमन चिकित्सा ही है, दीपन पाचन और अनुलोमन पे ही ज्यादा जोर दिया जाता है, और जैसे अगर बहुत ओवर ईटिंग करने वाला पेशेंट है तो थोड़ा लंघन भी बोल देती हूँ, और
अभी कल की पेशेंट है मेरे पास, एक फीमेल पेशेंट थी, उसकी हिस्टेक्टॉमी हुई लास्ट ईयर। तो हिस्टेक्टॉमी होने के एक महीने बाद ही वो मेरे पास आई थी। तो उसे शायद उसने परिचर्या पूरी कंप्लीट नहीं की होगी सर्जरी होने के बाद की, उसका अग्नि तीव्र नहीं हुआ था और उसने शायद पूरा हेवी फूड खा लिया था उस समय भी, पिज्जा बर्गर वगैरह। तो वो उनको वहाँ पे पाइल्स डेवलप हुआ था, वो तो हमने 3 महीने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर दिया था, पर अभी ये साल मतलब 1 साल के बाद वो उनको फिर से रिपीटेशन आया सर। तो अभी वो आए थे तो सेम हिस्ट्री मिली, कुछ तो भी शादी में गए थे वो, और काफी बाहर का खाना हुआ 8 दिन कंटिन्यू, मतलब जो भी मिल रहा है ब्रेकफास्ट भी लंच और डिनर जो भी मिल रहा था, और उनका अग्नि काफी मंद हो गया होगा। और फिर कैसे है कि अच्छे अच्छे फूड दिख रहा है पर खाने का मन कर रहा है और सब खा रहे हैं, तो मैं भी खा रही थी ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो इस वजह से फिर से तकलीफ हो रही थी। तो उनकी कंप्लेंट्स में तो सबसे पहले हार्ट स्टूल पास हो रहा ऐसी कंप्लेंट थी, और फिर से गुददाह गुदशूल की कंप्लेंट कर रहे थे सर। तो मैंने इन ये पेशेंट में तो अभी दीपन पाचन के हिसाब से आरोग्य आरोग्यवर्धिनी तो स्टार्ट कर दिया, इनको थोड़ा सा व्याधि प्रत्यनिक में अर्षकल्पवट्टी डाला है, अनुलोमन के लिए हरित की चूर्ण दिया है, एक अभयारिष्ट भी दिया है, थोड़ा सा वातज अर्ष टाइप था, थोड़ा पित्त का अनुबंध था तो मैंने उशिरासव भी डाल दिया है, और सप्तविशंति कुकुल दिया है सर, और थोड़ा बटर मिल्क लेने के लिए बोला है उनको कि तक्र ले करके, और गाय का घी थोड़ा ऐड कर देना 2-3 दिन के बाद ऐसे बोला है सर, और लिक्विड सेमी सॉलिड ऐसे ही डाइट बोला है जी सर। थैंक यू आपका, आपने कितना अच्छा बताया। और किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए, अर्श व्याधि में आप लोग क्या देते हैं और आप लोग कैसे उसको समझते हैं, क्या करते हैं? अर्श व्याधि में देखिए अग्निमंदता, अग्निमंद होना, और दूसरा है कि अति मल संचयात, ऐसा इन्होंने संप्राप्त होता है, और त्वचा, फिर मांस मेद और रक्त, ये 4 दुष्य बताएं, और अपान क्षेत्र में ही ये ज्यादातर होता है, और अपान वायु के दुष्टि के वजह से जो बुध प्रदेश में होता है उसके बारे में ऐसा बताया है। तो हमें ये कंसिडर करना है कि वायु का अनुगमन होते रहे, और जो मत्स्य बाहर आ गए डायलेटेड उसका डायलिटेशन कम हो। हाँ डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बताइए। जी सर प्रणाम। मेरा थोड़ा सा संशय है, जी संशय है थोड़ा सा जी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी, मैंने कभी त्रिफला गुगुल यूज नहीं किया जी, तो क्या गुगुल देने से स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा वहां पर? सर एक एक गोली दो दो गोली देने से तो कुछ नहीं होता, सेफ ड्रग है जी, जैसा हम लोग भी पढ़ते आए सर गुगुल अवॉइड करना चाहिए, इसलिए सर मुझे संशय हुआ। अंजना मैम आ गई है, डॉक्टर अंजना मैम आ गई हैं। एक प्रश्न था कि 8वें महीने में क्या देना चाहिए जिनको अर्श होता है, तो अंजना मैम आप क्या देती हैं? अंजना मैम जागी हैं कि चाय बना रही हैं? चाय पी। सुप्रभात सुप्रभात, नमस्कार सभी लोगों को। जी सर, 8वें मंथ में अर्श होना ये बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर वही द्राक मुनक्का इसका फांट के लिए बोलते हैं पेशेंट को, या फिर खजूर का फांट बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन में हम थोड़ा सा यहाँ पे त्रिफला चूर्ण स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा त्रिफला चूर्ण के बाद भी अगर हमारे पास पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास और मेडिसिन होती है, युक्ति पूर्वक हम उसको लगाते हैं एक और पेशेंट के हिसाब से। समटाइम्स जो है उसको सुबह सुबह के खाली पेट उसको बताते हैं कि थोड़ा सा इसमें आप खाली समटाइम्स अमल की चूर्ण खाली लीजिएगा, अमल की चूर्ण के साथ आप थोड़ा सा जो है वो कभी कभी हमें उसमें मुनक्का के साथ हम अमल की चूर्ण मिला के देते हैं कि मुनक्का का फांट लेते हैं और अमल की चूर्ण आप खिला सकते हैं पेशेंट को। और अगर ज्यादा दिक्कत होती है उसको तो फिर जो हम बट्टी वगैरह का भी कुछ कुछ ऐड करते हैं। तो सर का क्वेश्चन है कि त्रिफला गुगुल से कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं बढ़ जाता ना? नवा गुगुल और पुराने गुगुल की बात होती है, और हम लोग जहाँ बैठे होते हैं वहाँ हमें तो एक कॉमन गुगुल मिलता है, तो
उसको वो कभी कभी ऐसा करते थे, सर ने कहा वैसे कभी कभी वो जो होता है कॉन्ट्रेक्शंस को, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस को इंक्रीज कर सकता है, और अष्टम मास में तो कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। नवम मास लगने के पश्चात ही आप कुछ तीक्ष्ण दवाएं दे सकते हैं, लेकिन अष्टम मास में, क्योंकि अष्टम मास का जो गर्भ होता है वो बहुत ही कहना चाहिए एकदम उसकी तरह से होता है, उसको हमें बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। अष्टम मास में स्पेशली औषधियां बहुत उसमें दी जाती है जी। हम लोग नहीं देते सर, या फिर थोड़ा बहुत कभी कभी पेशेंट को ज्यादा पेन वगैरह होता है तो आप गाहन फेल भी करवा देते हैं कि भाई थोड़ा सा गुनगुने पानी में टब में बैठ जाइए, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाए तो आप सिरिंजिंग, जैसे गर्म पानी जो है हल्का गुनगुना पानी सिरिंज में रख के उससे हल्की से उस पेशेंट को कहते हैं कि आप उसको डालिए वहां पर हल्की सिकाई कर लीजिए, लेकिन पेशेंट को हम लोग ये नहीं कहते कि आप जो है गुगुल नहीं देते, एक गोली सुबह एक गोली शाम को ऐसे देते, या रात को एक ये सब भी हम दे सकते हैं। निशोत वगैरह नहीं, दंती ये तो बहुत डेंजरस होता है, दंती नहीं देते, दंती नहीं देते। आरगवत कषाय मेरा फेवरेट है, मैं कभी कभी जरूरत पड़ती है तब आरगवत कषाय दे सकती हूँ। और आपने जो त्रिफला चूर्ण बोला वो तो मुझे बहुत सही लगा, और आपने मनुक्का का फांट बोला वो भी बहुत सही है जी सर, कॉमनली यही देते हैं सर जी। जी, और डॉक्टर सुधीर साहू जी, आपने जब भेजा था यूएसए में तो त्रिफला गुगुल का डोज क्या था सर? सर एक एक गोली दिया था मैंने। हाँ, तो उसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ ना? नहीं सर, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ जी। जी जी, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ सर, विश्वनाथ जी। हाँ सर, एक्चुअली एक पेशेंट को ऐसा हुआ था सर, सातवां महीने में उसको आश हो गया था सर जी। वो बहुत डरती थी सर दवाई लेने के लिए, कुछ भी दवाई लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसको बहुत कुछ समझाए तो भी वो दवाई नहीं लिया सर। उसके बाद में मैं सोच के, यहाँ प्राणिक हीलिंग कराते हैं सर, एक डॉक्टर ने उसके पास प्राणिक हीलिंग कराया सर, तो 7 दिन में पूरा बराबर हो गया सर, पूरा प्राणिक हीलिंग में ही बराबर हो गया सर। एक्चुअली मैं भी बेसिक का बेसिक किया था सर प्राणिक हीलिंग में, इसलिए मुझे थोड़ा पता था। प्राणिक हीलिंग होता क्या है सर, उसमें क्या करते हैं? एक्चुअली एनर्जी, हमारा जो आरा रहता है सर, एनर्जी रहता है, वो आरा को वो क्लीन करते हैं सर, जो भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ जम जाते हैं उसको क्लीन करके वो पॉजिटिव एनर्जी स्पेस से लेकर हमें वो दे देते हैं सर। इसमें वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही है सर इसमें, तो अभी बोलते हैं कि उसमें एक्चुअली सबको नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाता है, उसको निकालना है बस। एक्चुअली ये चक्र पे ही काम करते हैं सर, वो पूरा चक्र में जो भी रहता है नेगेटिव एनर्जी उसको निकाल के पॉजिटिव एनर्जी को भर देते हैं सर उसमें जी। इसको रेकी भी कहते हैं सर? रेकी भी ऐसे ही होता है, प्राणिक हीलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है बोथ। तो जिसको दवाई नहीं लेना होता है उसको ऐसे इसमें कम हो जाता है। एक्चुअली मेरा वाइफ को भी सर प्रेगनेंसी में हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम हो गया था सर, पूरा वॉमिटिंग इतना होता था कंट्रोल ही नहीं हुआ, दवाई देने के बाद में भी कंट्रोल नहीं हुआ सर, तब प्राणिक हीलिंग कराने के बाद में 3 दिन में पूरा कंट्रोल हो गया सर। हाँ सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर उषा तबानी मैम, आपका क्या अनुभव है वो बताइए, आपके प्रैक्टिस में अर्श के पेशेंट आते हैं तो क्या देते हैं आप लोग? नमस्कार सर, नमस्कार अंजना मैम और सभी डॉक्टर। सर मैं इसमें तो ज्यादातर मेरा काम तो ये फूड वगैरह में मैं ज्यादा करती हूँ, तो इसमें बनाना और बनाना देना का ट्राई करती हूँ पहले, और त्रिफला इन बटर मिल्क तो ये भी अच्छा है, मैम ने बताया ना त्रिफला चूर्ण का भी काम अच्छा है, तो बटर मिल्क के साथ देती हूँ, और बनाना ऐसे फूड पर ही जाती हूँ मैं ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इसी से ही हो जाता है सर। और थोड़ा डाइट में, क्योंकि इस टाइम ये लोग विटामिन कैप्सूल वगैरह लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन है रहता है इसके अंदर, पर ये करने से भी हो जाता है सर जी। और मुनक्का वगैरह भी ले सकते हैं ना, जो धनिया जो हम बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बाहर जाकर डाल लिया करो तो ठंडी तब वैसे आपको लगती है सर,
डाल लो शॉल ना सर पे, क्या प्रॉब्लम है, ठंडी नहीं होती जी। देखिए अंजना मैम चाय के बारे में बता रही हैं सर को कि आप छान लीजिए। सर हम लोग भी आ रहे हैं, सर हम लोग भी जा रहे हैं पीने। अच्छा अंजना मैम के घर जा रहे हैं चाय पीने। जी जी सर, उधर से निकलेंगे तो पिएंगे सर जो है। वो बोल रही है कि छन्नी से छान लीजिए, छान लो। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। सर डॉक्टर उषा मैम आप फूड में और क्या बताती है मैम, केला और वही मैम ओवर नाइट जो भिगो के बोलती हूँ ना धनिया वाला वो तो करवाते हैं, मगर त्रिफला और ये साथ में और फूड के अंदर में बनाना यूज करवाती हूँ कि बनाने से भी मोशन क्लियर हो जाता है। और बनाना आपको हाँ, देना है तो रात के टाइम में, क्योंकि बनाना खाने का तीनों का तरीका अलग है। सुबह में खाओ तो हेल्दी रहता है, दोपहर में उसका तो ये इसका दोपहर में तो चलो इतना नहीं है, मगर शाम रात में लेके सो ना कम से कम 6-7 बजे के करीब, तो उससे भी मोशन क्लियर होता है। क्योंकि मैं अच्छा, बच्चों में खास देती हूँ और प्रेग्नेंट लेडी में देती हूँ, और त्रिफला एंड ये बटर मिल्क। बाकी तो मैम दूसरा नॉर्मल पेशेंट को है ना मैं एक हरीतकी गुड़ एंड हरीतकी गुड़ उसको ओवरनाइट गौमूत्र के अंदर भिगो के फिर अर्ली मॉर्निंग पीने को बोलती हूँ अर्स वाले पेशेंट को। हाँ अभी तक कितना मैम प्रमाण वो मैम पेशेंट के अकॉर्डिंग लेंगे ना तो और अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या मात्रा गोमूत्र हरी तक ही दे सकते मैम। गोमूत्र हाँ वो भी कर सकते हैं, मगर नेचुरल फॉर्म में मैम करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ तो ये ओवरनाइट भिगो के फिर सुबह में दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। थोड़ा वार्म वाटर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर ओवरनाइट रख के जिसको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है वो अर्स वाले पेशेंट में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहे इसमें। अच्छा जी मैम, थैंक यू मैम। ओके थैंक यू जी। और किसी को कुछ बताना है? हाँ हाँ सर जी, ये कह रहा था जैसे मेरा सभी वैद्यगणों से अनुरोध है जी, जैसे पाइल्स के सक्सेस स्टोरी बताएं तो उसमें बताएं क्या साइज की पाइल मास। हाँ हाँ ये बताइए, हम लोग हम लोग को आइडिया लग सके की औसत चिकित्सा किस स्तर तक जो है कामयाब हो सकती है जी। तो डॉक्टर जी उन्होंने औसत चिकित्सा भी की साथ में या चार्ज कर्म भी किया या जो है अग्निकर्म भी किया, तो ये भी थोड़ा बताएंगे तो आइडिया लगे किस लेवल तक की पाइल मास को हम लोग औसत चिकित्सा से ट्रीट कर सकते हैं जी। तो हम बुलाते हैं ना सब लोगों को। डॉक्टर तेजस मोदी जी आप बताइए कितना सेंटीमीटर का था, कितना एमएम का था तो आपने ठीक किया। डॉक्टर स्नेहा रावल जी, डॉक्टर सुधाकर जी, डॉक्टर सुधीर साहू जी आप लोग बताइए। हाँ जी जी सर, क्या टॉपिक था मैं अभी क्या वो कि मोबाइल ऑफ हो गया था सर। कितना बड़ा पाइल्स आपने ठीक किया मेडिसिन से, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं सर मैं पाइल्स क्या जो इंटरनल पाइल्स वो ही कर पाया था, बाकी एक्सटर्नल पाइल्स से मैं बोल रहा हूं। हां सुधाकर जी आप बताइए सर। सर वन सेकंड सर, तब तक कोई और बताइए। हेलो सर। हां सर आपने पाइल्स का ट्रीटमेंट किया है क्या, कितना बड़ा किया है वो बताइए कृपया। हेलो। हाँ सर। हाँ जी सुधीर जी बताइए। सर इसमें ना फोर्थ डिग्री पाइल्स वो छार सूत्र ही करना चाहिए उसमें जी, वो फिर दोबारा कभी रिकरेंस नहीं होता है जी। कुछ कुछ थर्ड डिग्री पाइल्स जिसमें की ब्लीडिंग काफी हो रहा हो। कितना डायमेंशन कितना बड़ा आपने किया है और क्या दिया है दवाई वो भी बताइए। सर साइज तो काफी वेरी करता है, जो थोड़ा सा कफवज रहेगा वो तो काफी बड़ा बड़ा ही रहता है जी। और थर्ड डिग्री ऐसे पाइल्स जो इसमें कि बार बार ब्लीडिंग हो रहा हो उसको भी हम लोग छार सूत्र से लाइगेट कर ही देते हैं जी। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पाइल्स जो है सर वो मेडिसिनली ट्रीट करना है, वो ठीक हो जाता है। तो मोस्टली इसमें हम लोग वही कोस्ट देख लिए, या हम लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं पोर्टल हाइपरटेंशन जरूर मिलेगा, तो उस हिसाब से ऐसी मेडिसिन करते हैं जो डाइजेशन अच्छा करे, लीवर का फंक्शन ठीक हो, तो वो फर्स्ट सेकंड डिग्री तो ट्रीट हो जाता है जी। थर्ड डिग्री किसी में ट्रीट होगा किसी में नहीं होगा सर, और फोर्थ डिग्री पाइल्स ऑलवेज छार सूत्र ही करते हैं हम लोग। डॉक्टर सुशील जी आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर एमवी सुशील सर आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो सर।
हाँ जी बताइए। एक्चुअली हेमोरॉइड्स में ना सर मेरे कुछ प्रिंसिपल्स ऐसा बना लिया मैंने जी, इंटरनल रहा तो उसको चार पातन करना चाहिए, इधर इट इज फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जी। एक्सटर्नल इंटरनल अगर रहा तो उसको ट्रांसफिक्सेशन ऑफ चार सूत्र, बोले तो चार सूत्र लाइगेट करना है, इट शुड बी थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जी। और एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल रहा तो उसको कफज के माफक अग्निकर्म मिनी क्वार्टर से कट करना चाहिए, दिस इज सिंपल प्रिंसिपल आई अडॉप्टेड जी। और कंजर्वेटिवली बोले तो अनुलोमन के लिए सुकुमार घृत बिफोर फूड इट इज गुड जी। और दुष्पर्शादि कषाय ये भी दे सकते पेनफुल रहा तो, और स्वेलिंग अगर है तो दशमूलादि दशमूलारिष्ट देके कैशोर गुगुलो और त्रिफल गुगुलो इनफ, दिस मच इज इनफ जी। बहुत बढ़िया बताया आपने सर। और कोई बताना चाहते हैं? मनीषा सिंह मैम आप सुन पा रही हैं क्या? आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, आप बताइए। डॉक्टर मनीषा सिंह जी सुन नहीं पा रही। डॉक्टर हेमंत सोनी जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। वो ख्यार पातन जो बोल रहे थे वो जो लोकल ख्याल ख्यार एप्लीकेशन या डॉक्टर सुधाकर जी exactly. प्रश्न है सर जी, ख्यार पातन इन द सेंस उसको क्या है स्लिट लैंप बना ली है, सॉरी स्लिप प्रोक्टोस्कोप जो होता है ना वो यूज करना चाहिए उसको, तो सराउंडिंग एरिया शुड बी कवर्ड बाय प्रोक्टोस्कोप एंड दैट प्रोट्रूडेड मास शुड बी एक्सपोज्ड एंड ओवर दैट वी हैव टू अप्लाई अपामार्ग क्षार सेमिलिक्विड तरह का बना लेना चाहिए, वो मार्केट में शायद नहीं मिलता, हम प्रिपेयर ही बना करते हैं उसको जी। वो क्षार को लगा देना चाहिए, उसके बाद दो मिनट के बाद ना तुरंत उसको नींबू पानी से धो देना चाहिए, वार्म वाटर में नींबू पानी, वार्म वाटर बट इट शुड बी अल्कलाइन बिकॉज एसिडिक एसिडिक रहना चाहिए, अब अल्कलाइन लगाते हैं ना सर न्यूट्रल बनाने के लिए, हाँ दो मिनट के लिए लगाना चाहिए, 100 मात्रा काल बताए सो है। और वही सेम अगर हम ईएनटी नासार्श में करना है तो 1 मिनट तक लगा सकते हैं वही ख्यार को सर, और वही नासार्श में करना है तो 1 मिनट इज इनफ, और उसके लक्षण भी बताए ना ब्राउन कलर का होना, जम्बू फलवत ऐसा कुछ दिया सर। सर ये जितने भी जो फिशर केसेस रहते हैं सर उसमें अधिकतर हम लोग क्षार पातन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्षार पातन सर हम लोग 4 मिनट उसके ऊपर नहीं करते कभी भी, और उसमें सर क्षार पातन जैसी टाइम कंप्लीट हुआ 3 मिनट्स 4 मिनट्स फिर तुरंत नींबू स्वरस से हम लोग धावन कर देते हैं। कर सकते एक्चुअली उसको शतदोत घृत और हीलिंग व्रणवत चिकित्सा करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, अनुलोमन देके ना व्रणवत चिकित्सा करे तो इनफ है। सर ये पाइल्स मास में फर्स्ट सेकंड डिग्री में क्षार पातन का रिजल्ट मिलता है सर? मेरा सेकंड तक कर सकते हैं, थर्ड अगर रहा तो प्रोट्रूडेड रहता है उसको बेटर एक्सरसाइज करना है और लाइगेट करना है, बट प्रिफरेबली इंटरनल रहा तो एक्सरसाइज करने का प्रिफर करता हूँ मैं, एक्सटर्नल इंटरनल रहा तो ट्रांसफिक्सेशन ऑफ चार सूत्र। एक क्षीरसागर सर बोल के बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी थे बेंगलोर कॉलेज से, ही वॉज एक्सपर्ट इन जामनगर, वही BHU से ही थे, बाद में हमारे कॉलेज के प्रोफेसर होकर रिटायर्ड हो गए, उनका ये लॉजिक था ये ऐसा ही फाइनलाइज करे वो कॉलेज, हमारे बेंगलोर कॉलेज में ऐसा ही चलता है शल्य डिपार्टमेंट जी। जी सर जी सर आप उनको लेके आएंगे क्या आयुष दर्पण पे? नहीं सर ही इज नॉट इन माय कांटेक्ट, एक्चुअली मेरा ना 21 डेज का एक गवर्नमेंट थ्रो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स
जिसको डेपुटेड था 1400 का सीएम ये अपना क्या बोलते है प्रोग्राम, उसमें भी अपडेट हुए हूँ। उसके बाद करीबन 500 to 1000 केसेस में अटेंड किया हूँ और मोर देन 100 आई ऑपरेटेड एनोरेक्टल केसेस इंक्लूडिंग फिस्टुलास मोर देन 2 dozen। सर फिशर में केस क्या करते हैं सर, केस फिशर मैनेज करते हैं? फिशर में कुछ नहीं करना चाहिए सर, फिशर में एक ही है लाइटली मैक्सिमम एनल डायलेटेशन विद अपना शतद्योत घृत में प्रिफरेबली देता हूँ और मोशन क्लियर होने के लिए सुकुमार घृत इट गिव्स व्हाट यू कॉल अनुलोमना एंड लुब्रिकेटिंग एक्शन अपान का ले देना, उसको क्या बोलते हैं बिफोर फूड 2 स्पून देना है। उसके बाद ना पेनफुल रहा तो दुष्स्पर्श आदि कषाय बोल के एक आता है ना वो 1 आवर बिफोर देना है, अगर पेन नहीं है तो सुकुमार घृत इज इनफ। और आफ्टर फूड कैशोर या त्रिफल गुगुड़ और उसके साथ हम दशमूल अरिष्ट प्रिफेर करता हूँ मैं फिशर में जी, पेन किलर की जैसा होता है थोड़ा शोधहरा सर। और इसके साथ दाढ़ी मास्टक चूर्ण विद तक्र के लिए प्रिफेर करना है और डाइट स्ट्रिक्ट डाइट जिसमें कि मिर्ची और मसाला अभिषंध्य आहार या अवॉइड करने के लिए बोलना है और सीड्स बाथ कंपलसरी 1 आवर हाफ एन आवर सीड्स बाथ विद पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण, पंचवल्कल क्वाथ बोल के मिलता है ना सर, उसका क्वाथ चूर्ण में बैठना है, अगर नहीं मिला तो नीम पत्र चूर्ण भी इनफ है। और ब्लीडिंग रहा तो उसमें कुटजारिष्ट वगैरह ऐड कर देने का, आईबीएस के जैसे लक्षण दिखे कुटजारिष्ट और मुस्तारिष्ट ऐड कर देता हूं मैंने। सर नहीं एक्चुअली मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ इधर कर्नाटक में, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हमारे ट्रेनिंग्स वगैरह रहते हैं ना उसमें अपडेट है सर, इधर बीदर कर्नाटक के बीदर में जी। ओके सर, कई बार हाँ जी बताइए सर, कई बार क्या होता है कि ये 1400 का ऑपरेशन ये होने के बाद भी पेशेंट ये कहता है कि ये सर पेन हो रहा है मेरा अभी भी बहुत ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में सर क्या करें? सर वो कंडीशन में ना सीड्स बाथ देना जरूरी है, अगर जब भी पेन लगा तो सीड्स बाथ में बैठना है और न्यूली अप्लाइड चारसूत्र गिव्स पेन फॉर 1 or 2 days लेटर ऑन इट द पेन विल बी रिड्यूस्ड। उसका कैसा होता है वो लूज भी बन जाता है और केमिकल क्वाटराइजेशन और स्ट्रैंगुलेशन ये 2 चीज होते हैं सर ट्रांसफ्यूजेशन ऑफ चारसूत्र में, वो जो पाइलमास रहता है ना उसका जो रूट होता है उसको स्ट्रैंगुलेट हो जाता है और लोकलाइज्ड टिश्यूज क्या हो जाते हैं ये हो जाते हैं स्ट्रैंगुलेट हो जाते हैं, बाद में वो क्षार जो करता है केमिकली इट किल्स दैट टिश्यूज सो स्लोली दैट मास गेट्स श्रिंक्ड। उसके बाद अगर हम वर्णवत चिकित्सा दग्ध वर्णवत या क्या बोलते हैं आप केमिकल वुंड के जैसा जात्यादि घृत जात्यादि तैल जेटी टुल्ले बोल के भी मनाते हैं हम चार सूत्र फिशर के लिए, जेटी टुल्ले बोले तो अपना सोफरा टुल्ले आता है ना वैसा ही ना गॉस पीस लेने का उसके ऊपर जात्यादि घृत लगाने का और वहां पे रख देने का, शतदोत घृत का भी लगा सकते हैं या जात्यादि घृत का भी लगा, जेटी टुल्ले बोल के फेमस कर दिए थे सर ने एक टाइम। सिर्फ बात में अब क्या डाले द्रव्य पंचवल्कल क्वाथ बोल के हमारे गवर्नमेंट को सप्लाई रहता है कभी कभी, नहीं मिला तो निम्ब पत्र चूर्ण भी डाल सकते हैं। अच्छा जी सर, डॉक्टर साहब ये पेशेंट्स को मोस्टली फिशर के पेशेंट्स को बाद में काफी इचिंग रहती है सर लंबे समय तक, इचिंग रहा तो खजाना बोल के एक ऑइंटमेंट आता है हमारे कौन सी तो कंपनी का बेंगलोर में वो लगा सकते हैं और डायबिटिक तो नहीं है ना कभी भी ना, इचिंग है बोले तो हम सस्पेक्ट करना है अनहाइजीन या डायबिटिक वो एक्सक्लूड करके उसके हिसाब से कृमिवत चिकित्सा भी दे सकते हैं आप। और ये भी कह सकते हैं सर हीलिंग नहीं हुई प्रॉपर, हीलिंग वही सर कैसा है वो पार्टी ये है कंटेमिनेटेड पार्ट है उसको सीड्स बाथ और हाइजीन मेंटेन करना है जी जी और घृत पहले वाले या घृत मीडियम में ना
ऑर्गेनिक डेवलप नहीं होते सर, एक थेरी प्रूड है ये न, आ, तो ऑयल मीडिया अच्छा। जी उनका आवाज शायद कट गया सर का। जी सर, जी सर। हाँ डॉक्टर हेमंत सोनी जी आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? नमस्कार सर। सर हाँ जी। मैं पाइल्स में जो होता है तो सबसे पहले हम निदान परिवर्जन करते हैं और ये देखते हैं कि उसका जो उसको कोई रक्तार्श या वातादिर्श तो नहीं है, तो ये चीज हो गया। और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री तक मैं हम लोग मेडिसिन पर ही यूज करते हैं, और मेडिसिन के अंदर सर हम कांकाइनवटी अर्श जो मोस्ट प्रोबेबली हम देते हैं, कांकाइनवटी अर्श पुनर्नवादी मंडूर सुबह के टाइम पे छाछ के साथ देते, तक्र के साथ देते और शाम को पानी के साथ देते बिफोर मील, और खाना खाने के बाद उसको आरोग्य वर्धनी और अभ्यारिष्ट। और अगर उसको इचिंग इचिंग भी ज्यादा है तो उसमें मैं सर विडंगारिष्ट मिलवाता हूँ सर का। और निदान परिवर्जन में स्पष्ट रूप से शाम को मैं बिल्कुल उसको दलिया खिचड़ी इस पर ही रखने के लिए कहता हूँ कि भाई तुम इस करीब कम से कम 7 दिन इसी तरीके से रहो। और उसकी जो हरी मिर्ची है, लोग यहाँ हाड़ौती में हरी मिर्च ज्यादा खाते हैं, तो मिर्च मसाला उसका कम कर देते हैं और पेशेंट को आराम मिल जाता है। मतलब 95% सक्सेस रेट है अपने इस चीज इस तरीके से अपने पास। जी 5% तो सर वो जो ज्यादा होता है तो फिर सर्जिकल में होता है तो फिर हम उसको सर्जिकल के लिए बोल देते हैं। और जहाँ फिशर का लगता है कि भाई फिशर का, तो उसमें सर मुझे जत्यादि तेल की मात्रा बस्ती का बहुत अच्छा अनुभव में रिजल्ट मिला है। पेशेंट को मतलब फर्स्ट डे में ही बोलता है कि सर मुझे 50% से ज्यादा आराम मिल गया है। मैं सर उसको मतलब कि 3 से 5 मात्रा बस्ती दे देते, वो सर उसी में वो बोलता है सर अब मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है, वो ठीक है। ये सर सर कितने एमएल करते हैं? जाते सर 25 to 30 ml ज्यादा नहीं देते, मतलब कि जो उसके अंदर बिल्कुल अंदर रह सके। और वही खाना खाने के बाद देने के लिए देता हूँ, बोलता हूँ मैं उसको 1-2 बार तो मैं खुद देता हूँ और फिर वो खुद बोल पेशेंट बोल देता कि सब मैं दिलवा सकता हूँ फैमिली में, वो फैमिली से दिलवा देते हैं। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर एएनसी में प्रेगनेंसी में पेशेंट को कभी कभार फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा रक्तार्श भी रहता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उस टाइम पे हम जाते दी तेल दे सकते हैं क्या एएनसी पेशेंट को? जाते दिन दिन लगवा दीजिए ना वहाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ जी जी जी। हाँ यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगा मैं सर पाठक सर की परमिशन से। जी जी सर। जहाँ तक फिशर की बात हो रही है तो इसमें एक्यूट फिशर को अलग तरीके से लिखना चाहिए और क्रॉनिक फिशर को अलग तरीके से। जी एक्यूट फिशर का ट्रीटमेंट अलग है और क्रॉनिक का अलग है। एक्यूट पे आपको बिल्कुल डायलिटेशन नहीं करना है और केवल लग्जेटिंग और लोकल जो है जाते तेल हार्टसिल बात ये सब देंगे तो वो हील कर जाएगा ग्रेजुअली। और क्रॉनिक फिशर में जो है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, उसमें आप जब सेंटिनल टैंक भी निकालेंगे तब तक वो प्रॉपरली फील नहीं करता है, पेशेंट को कुछ दिन के रिलीफ हो जाएगा और दोबारा जब कभी कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर वो एग्रीवेट हो जाता है। परमानेंट क्योर में उसका सेंट्रल टैग निकालना होगा, फिर फिंगर डायलिटेशन करके या जैसे भी आप डायलिट करें जी हीलिंग करानी पड़ती है, तो दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर इसमें ये स्पिट्रेक्ट में भी कर देना चाहिए या इसमें हाँ, मेडिसिनल ये करती लेफ्ट लेटरल स्पिट्रेक्टमी राइट लेटरल स्पिट्रेक्टमी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती स्पिट्रेक्टमी की, आप मैनुअली डायलेट करके और सेंटर टैग निकाल भी देंगे वो हील कर जाता है। जी सर। स्पेंक्टेटॉमी जो की जाती है वो एक्चुअली डायलेटेशन अवॉइड करने के लिए, डायलेटेशन की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। सर डायलेटेशन का प्रोसीजर कभी मौका मिलेगा तो वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल है, फिंगर से कर दीजिए
फिंगर से डायलिटेशन करिए, आप जो है दोनों हाथों की फिंगर से जो है मीडियल फिंगर दोनों यूज करिए, बहुत जेंटली आप इसको जो है डायलेट करिए, फैला दीजिए इसको जाइलोकेन या कुछ तरह का लुब्रिकेंट लगाते हुए, बहुत सिंपल है सर। ठीक है जी। डॉक्टर सरोज देसाई जी, आप लोग गुजरात में कैसे करते हैं ट्रीट पाइल्स के पेशेंट में, क्या ट्रीटमेंट देते हैं? डॉक्टर सरोज देसाई जी सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप आजकल अश्विनी सूक्त नहीं लगा रही हैं मंत्र? सर वो बिगड़ गया है ना, तो अभी नहीं हुआ रिपेयर। पेन ड्राइव में भी तो करके वो कर सकते हैं सर, अभी वहां से सीडी लेके आऊंगी फिर कर देंगे सर। ठीक है, तो आप लोग क्या देते हैं? सर सर ने कहा ना कि डायलेटेशन, तो डायलेटेशन से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, इसमें फिंगर से भी कर सकते हैं, और हमारे सर एक ऐसा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट आता है फिंगर जैसा ही, प्लास्टिक का आता है, तो वहाँ ऐसे हम जाते हैं तेल या कोई भी ऑइंटमेंट ऐसे लुब्रिकेशन लगा के फिर डायलिटेशन करते हैं, तो इसमें सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सीज बात सर ने बोला ना कि वो तो नीम और हल्दी डाल के भी हम कर सकते हैं, और पंचवल कलकवात का भी कर सकते हैं। और सर इन लोगों ने बहुत अच्छा वो दिया कि पेन के लिए, क्योंकि फीसर में इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि पेशेंट ऐसे मोशन के बाद तो दो तीन घंटे तो ऐसे सीवियर पेन होता है, तो सर ने अभी बताया ना 10 मुलारिश, तो इससे बहुत फायदा होगा, तो वो भी अच्छा रहता है। और सर उसको ऐसे विरेचक कोई भी अनुलोमन तो देना ही पड़ता है, हरितकी, इसमें हरितकी सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। और सर खाने पीने में तो बोला ना कि सर वो मिर्ची तो बिल्कुल बंद कर देना, और लुब्रिकेट थोड़ा खाना है, और गुड़ मिर्ची और सर पपीता भी खाने से ज्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है, तो जैसी गर्म चीजें हो सभी बंद करा ही देनी है, और जब भी बहुत अच्छा हो जाए तब भी उसको खाने का है तो भी उसको कंट्रोल तो करना ही है, ज्यादा ऐसे खाना ही नहीं है ऐसा पेशेंट को बोल देना है, क्योंकि पेशेंट जब खाएगा ज्यादा तो फिर से फीसर का प्रॉब्लम तो हो जाता है, तो फीसर में ये ध्यान रखना है सर जी। मैडम जो आप बता रही थी प्लास्टिक का आता है, दैट इज कॉल्ड एज एनल डायलेटर। हाँ एनल डायलेटर जनरली हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, तो हम लोग फिंगर से भी काम ले सकते हैं। फिंगर से काम हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, फिंगर से नहीं, ग्लव्स पहन के, ग्लव्स पहन के करेंगे। हाँ सिंपल ही आता है सर, प्लास्टिक का ऐसे मिल जाता है, कई लोग बनाते हैं, मैं व्हाट्सएप में। मैडम सर डेली करना पड़ता है एनल डायलेट? डेली नहीं, जब तक हाँ वो तीन चार बार ऐसे करो, चार पांच जो है आप तीन बार कर देंगे बहुत है, और कभी हम लोग कभी पेशेंट को घर पे करने के भी बता देते हैं। हाँ जब तक पेन जी, तो डेली पेशेंट डेली घर पे करता रहता है, बीच बीच में आप बुला के अपने हाथ से कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा पेन होता है तो पेशेंट अवॉइड करता है, पूरा नहीं करता कायदे से, तो घर पे भी करता रहे और आप भी कर दें। सर एक मैं एक्सपीरियंस के बताना चाहूंगा, थोड़ा अलग है जी, बताइए बताइए सर। जैसे अपने स्टोन के जो केसेस आते हैं ना, स्टोन के केसेस होते हैं और साथ में विद हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, तो सर चंद्र प्रभा का रोल इतना अच्छा है कि वो यूरेटर को डायलेट करता है, जहां कैंसर भी है तो वहां तो मतलब यूरेटर को भी डायलेट करता है। तो एक सोनोग्राफी आई थी, तो उसमें जो क्या जो जो रिपोर्ट्स आई है, मैं बता रहा हूँ, पेल्वी सिकल सिस्टम इज डायलेटेड, इकोजेनिक शैडोस सीन इन मिड एंड लोअर कैलक्स, इकोजेनिक शैडो विद द डिस्टल एकोस्टिक शैडोइंग इज सीन एट द अपर हाफ ऑफ यूरेटर एट अ टाइम ऑफ स्कैनिंग साइज 0.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट यूरेटर इज डायरेक्टेड अप टू कैलकुलस, यानी कि जहां तक स्टोन है और ऊपर जो है यूरेटर पूरा डायरेक्ट हो गया है। तो चंद्र प्रभावती का मैंने बहुत अच्छा एक देखा है कि उसको डायरेक्ट भी करते हैं,
जो यूरेटर है उसको भी डायरेक्ट करता था ताकि स्टोन जो है वो जल्दी से बाहर आ जाए। सर अभी सर से और एक संदर्भ में फिसर के संदर्भ में ये सर जो है स्टोन जो है बैक प्रेशर देता है इसकी जो हम एनल डायलेटर सर यूज करेंगे या घर में पेशेंट करेगा तो इसी टाइम तो हम नहीं घर में पेशेंट को एनल डायलेटर नहीं देते रिमूव करते हैं तो कोई हाँ वो रिमूव करने के बाद रिमूव करने नहीं नहीं रिमूव करने के बाद ही और जब वहाँ हीलिंग हो जाए तब इसके बाद उस पीरियड में हाँ आप मतलब ऑन एन एवरेज एक हफ्ते बाद मान के चलिए जी जी राइट थैंक और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए हम थोड़ा नहीं तो ब्रेक ले लेंगे। सर ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की केस बताई ना इसमें सर एक और कषाय ऐड कर देंगे तो इनको और अच्छा अगर कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको या कहीं पे भी सूजन है तो कनकासा और पुनर्नवारिष्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंस्टेंट काम करता है और आपके हाँ। बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पुनर्नवा जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि 9 mm काफी बड़ा स्टोन है तो उसका रिफ्लक्स या कुछ भी चीज इंफेक्शन जल्दी मैम कभी कभी मिड कैलिक्स में भी 15 mm के स्टोन रहते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होगा लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन तो फिल्ट्रेट के यहाँ मैडम आपको यहाँ पे बस्ती जरूर दे जब भी आपका श्रोतारोधात्मक संप्राप्ति है तो मेरा इंस्टेंट लाइन जो रहता है अगर उसका दीपन पाचन अच्छा है उसका अग्नि अच्छा है आपने दे दिया है तो आपने उसको मात्रा बस्ती देना ही चाहिए उसके खान पान में अनुलोमन के क्योंकि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे मैडम तो एलोपैथी में हमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चंद्रप्रभा वटी के साथ में आप पुनर्नवा वरुण ये दो चीजें अगर ऐड करेंगे चूर्ण फॉर्मेट में भी या फिर घन फॉर्मेट में मैं घन यूज करती हूँ क्योंकि गूगल पे मेरा इतना भरोसा नहीं है क्योंकि प्योर मिल जाता है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा आशावरिष्ठ खाली पेट भी दीजिए खाने के पहले भी दीजिए और सर ग्रास या फिर मैं 40 ml 50 ml तक देती हूँ अगर अरिष्ट देना है मुझे हाइड्रोनेफ्रोसिस कम करना है तो क्योंकि काफी बार क्या रहता है पैथोलॉजी ऐसी जैसे मेरे पास में अभी ट्यूबल ब्लॉक की इनफर्टिलिटी की केस है उसको 12 से 15 कोगॉल स्टोन और 5.9 mm का किडनी स्टोन है प्लस 32 एज है तो AMH लेवल 0.05 से भी नीचे है तो सब जगह पे श्रोतारोध है तो मुझे मात्रा बस्ती के अलावा और नस्य के अलावा रिजल्ट ही नहीं मिलेगा क्योंकि एक जगह पे मुझे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी भी एक्सेस ये करना है और दूसरी जगह पे मुझे श्रोतारोध अपान पे भी काम करना है तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट हो जाता है अगर हम एक एक इसको ले मुझे 3 से 4 महीना में AMH लेवल बढ़ाया ट्यूबल ब्लॉक क्लियर किया तो ही मैं उसको IUA से ये करा पाऊंगी। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि अपान पे काम करो फिर जो भी आपको आपको यूज करना है आप जैसे अपान पे काम करते तो पैथोलॉजी इजीली आपको सपोर्ट भी करती है। दूसरा चीज जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसमें जो जो आप योजनाएं करते हैं उसमें भी डिपेंड पाचन मतलब पानी देना है तो भी सिद्ध जल दीजिए धनी जीरे फांसद की तरह दीजिए जीरा करिश दीजिए खान पान को बदलिए और घृतपान इंटरनली उसके साथ में बाकी का चीज जो कौन सा घृत दे सकते हैं ऐसा कुछ क्या मैडम आप त्रिकंठक सिद्ध करिए या फिर अपना प्लेन पंचतिक्त क्योंकि कभी कभी संप्राप्ति भी तो देखनी होती है ना कि उसमें हेतु पित्त कर है या क्या है पेशेंट का प्रॉब्लम हिस्ट्री है मैम कि उसका लिथोट्रॉप्सी 2 बार हो गया है PCNL 1 बार हुआ है और रिकरेंट रिनल कैलकुलेट की मैम फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे हैव बेस्ट डन बेस्ट थिंग फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू नाउ यू डू विद आयुर्वेदा यू विल सी विद इन few days अगर मैं मतलब मैं तो 1 month repeat कराती हूँ सोनोग्राफी मैं पीछे और दूसरा यूरिन इन्फेक्शन देखिए उसका क्या है क्योंकि काफी बार जैसे अभी मेरे पास में लियो आया स्ट्रक्चर हो गया यूरेथर यहाँ स्ट्रक्चर रहता है उसके वजह से यू हैव टू उसको जो आप पुनर्नवा गोक्षुर और इसके दे दो उसके साथ में दीपन पाचन कंटिन्यूस चलाइए जो भी आप दे रहे हो उसका एनीमिया देखिए जैसे दाढ़ी मस्टिक घुट बहुत अच्छा दीपन भी करेगा और उसका एनीमिया को अच्छा कंट्रोल करेगा एनर्जी भी रस और रक्त पे भी काम करेगा तो ऐसे कंबाइन चीजें दीजिए बहुत ज्यादा उसकी ये ना और दूसरा उसके हेतु पे काम करिए और अगर उसका आप जैसे बोल रहे स्ट्रक्चर वगैरह है तो वहां पे कनकासा पुनर्नवारिष्ट और वरुणादि अगर स्टोन है तो वो दोनों भी तीनों भी चीज बहुत अच्छे से काम आएंगे तो ये आप सिम्टोमेटिकली ऐड कर सकते हैं इसमें मैम हाँ सर लेकिन उत्तर बस्ती उतना उसका एनर्जी
मैं बस्ती पे ज्यादा रिजल्ट करती हूँ मैम, जो बला है या फिर दशमूल है, पेई नगर है, आपका कैसे ये करती हैं आप, तो उस चीज पे हाँ। और अगर जो जो भी बस्ती देते तो उसमें थोड़ा सा एरंडा स्नेह भी ऐड कर दीजिए, ताकि उसका अनुलोमन बहुत अच्छे से हो, उसके खान पान में भी गंधर्व हरिता की अपानकाली दे दीजिए, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बस ये देखिए कि स्ट्रिक्चर और हाइड्रोनेफ्रोसिस, इस पे आपका ये जरूर होना चाहिए, काउंटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ता है तो पैथोलॉजी हाइपरटेंशन तक चली जाती है। तो वैद्य जी हम अष्टांग हृदय की क्लास में चलें सभी लोग। जी जी सर। ओके ओके सर, गुड डे सर।